गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ट्विंस बेबी मॉमला। तो ये दूसरा वीडियो है मेरी वेट लूज़ जर्नी का जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं अपनी वो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ जो मैं मेज़र चीज़ें लेती हूँ मेरे वेट लूज़ के लिए। तो ये सबसे पहला मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो मॉर्निंग में मैं लेती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर, जो मैं सुबह सुबह सबसे फर्स्टली यही चीज़ लेती हूँ। तो ये मैं लेती हूँ प्रेजेंट टाइम में 10 ml। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि पहले मैं कैसे लेती थी और अब मैं कैसे लेती हूँ। तो इसको लेने का जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि इसको लेने के लिए सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से सेक करना पड़ता है। उसके बाद इसको लूक वार्म वाटर में हल्का सा, मतलब 10 ml 5 ml जितना आप कंज्यूम कर सकते हो उतना ऐड करके पीना होता है। तो मैं अभी ये पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको लेने से पहले ही, मतलब आधे घंटे पहले, मैंने मेरे थायराइड की जो पिल्स है वो ले चुकी थी मैं, क्योंकि थायराइड की पिल्स में और इस ड्रिंक में आपके मैक्सिमम हाफ आवर का मतलब गैप होना चाहिए, तो वो मैं पहले ही ले चुकी थी। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ छोटे डिश में लेने के लिए, क्योंकि छोटे डिश में लो ना तो आप छोटा छोटा, मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हो। एंड दिस इज़ चूरा मटर पोहा पौआ। तो यहाँ पे वेट लूज ड्रिंक बनाने के लिए, मतलब काढ़ा बनाने के लिए 2 ग्लास पानी रख दिया है। ये हल्का गर्म होगा तब उसमें ये चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी, जो कि है सौंफ 1 बड़ा चम्मच, 2 सिनेमन स्टिक जिसको दालचीनी भी कहते हैं। ये अब मैं किसी लेड से ढक दूँगी जिससे कि 10 मिनट प्रॉपरली ये अच्छे तरीके से पक जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से जब ये बॉयल हो जाएगा तो पानी थोड़ा सा अपनी जगह छोड़ देगा, मतलब जब वो पानी पक जाएगा तो थोड़ा सा पानी जल जाएगा, तब ये जो काढ़ा है वो प्रॉपरली पक जाएगा। ये देखिए काढ़ा पक चुका है। एंड इसे ढक के ही पकाएंगे और पकने के बाद भी इसे ढक के ही छोड़ देंगे जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि पीने के लायक हो जाए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमला, दिस इज सपना। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर और मैं पी रही हूँ यहाँ पे सौंफ का पानी। तो इसकी रेसिपी एंड इसका वीडियो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं जो सौंफ का पानी बनाती हूँ उसमें बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ सिनेमन स्टिक एंड सौंफ। तो यही 2 चीज़ों से आज इसका पानी बनाया हुआ है। एंड इसमें कोई भी एडिड शुगर या फिर जैगरी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी शुगर का ऑप्शन नहीं यूज़ किया हुआ है। एंड इसको पीऊँगी मैं दिन में आज 3 बार। एंड सुबह से जो जो भी मैंने खाया पिया सब थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों से शेयर किया हुआ है। मैंने सोचा था एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी अपना, लेकिन मैं देख रही थी जितनी बार मैं कुछ करने वाली हूँ या फिर जैसे मैं नाश्ता करने जा रही हूँ तो मैं सोचूँ कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, बट देखती थी उस समय मेरे बच्चे रोना स्टार्ट कर देते थे। अभी भी जब मैंने सोचा कि मैं अपना ये जो काढ़ा है ये लेके ऊपर जाती हूँ एंड वहाँ पे थोड़ा सा धूप लूंगी और ये काढ़ा पीऊंगी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठंडी नहीं है बट हवा चल रही है जिसकी वजह से बहुत ठंडी लग रही है। तो मैंने सोचा कि ये सब पीऊंगी वहाँ पे जाके। तो जैसे ही एक सीढ़ी चढ़ी वैसे ही दोनों बच्चे उठ गए, जबकि वो सो रहे हैं, अभी आधे ही घंटे हुए उनको सोए हुए। तो उनको किसी तरीके से फिर से सुलाया और सुला के फिर आई हूँ। तो मैं ये फिनिश कर लेती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ा बातें करती हूँ। अभी तो थोड़ा थोड़ा ये इसका जो गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म करके लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था मैं तुरंत ऊपर नहीं जा पाऊँगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही मुझे जाने में। तो पर अभी उतना गर्म भी नहीं रह गया, हाँ लू वॉर्म है जिसकी वजह से ठीक है, पीना सही लग रहा है। कल मैंने पिया था अजवाइन का पानी। अजवाइन में तो काफ़ी सारे मसाले डालते हैं जिसकी वजह से मैंने कल उसको जब पिया ना तो वो यहाँ पे गले में तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही इरिटेट करने लगा था। तो मैंने सोचा आज मैं ऐसा कोई पानी पीऊँगी जिससे मुझे गले में भी आराम मिले एंड अच्छा भी लगे। तो सौंफ का पानी सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, वेट लूज के जितने भी ड्रिंक होते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा टेस्टी जो लगता है वो होता है सौंफ का पानी। तो अभी बज रहे हैं 3:30, मतलब तो अभी बज रहे हैं 3:30 एंड 3:30 बजे मैंने फर्स्ट काढ़ा जो अपना है वो फिनिश किया। सोचा था कि नाश्ते के बाद ही काढ़ा पी लूंगी बट मैं बना भी नहीं पाई थी, और मैंने देखा कि जब नाश्ते के बाद मेरे काढ़ा बनाने में टाइम है और मैं अभी नहीं बना पाऊंगी और उसको लेने में मुझे लेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी एंड नींबू वो कंज्यूम कर लिया था, जिससे कि जो मेरी डाइट का जो मैंने सोचा है कि पानी से कम करना है वो हीलिंग होती रहे बॉडी में। तो अभी मैं फर्स्ट काढ़ा पी रही हूँ 3:30 बजे एंड 4:30 बजे मैं सेकंड काढ़ा पीऊँगी, उसके बाद 6 बजे वो पीऊँगी चाय।
यस चाय। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं सुबह जब मतलब ये वाली नाइट के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी उसमें मैं करने वाली हूँ अपना वेट मेजर की, देखती हूँ कितना मेरा वजन बढ़ा है कि घटा है। क्योंकि आज कल मुझे प्रॉपर हो जाएंगे एक महीना मेरा डाइट स्टार्ट किए हुए, जिसमें मैंने 15 दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से देखा जाए तो लापरवाही की थी, कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, अच्छे से नाश्ता खाना थोड़ा बहुत बाहर का भी एक एक बाइट दो दो बाइट चल जा रहा था, बट विद इन 15 डेज मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। 15 डेज में मैंने बहुत ही कम चीज़ें ऐसी थी जो वेट गेनिंग वाली मतलब इनटेक की हुई है, और बहुत ही कम चीज़ें थी जो मैंने बाहर की ली हुई हैं। 15 दिनों तक मैं अगर बोलूँ तो बहुत ही अच्छे से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की हुई है। आप लोगों को हवा का भी वाइब्स मतलब साउंड सुनाई देगा क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, मेरी बाल भी उड़ रहे हैं। तो 15 दिनों ही मैं मानूँ तो 15 ही दिनों मैंने अच्छे से किया हुआ है, देखती हूँ इसमें कितना वेट लूज होता है। अगर मतलब 1 kg या 1.5 kg इतना लूज होता है तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि और अच्छे से वेट लूज करूँ, ताकि मैं कम से कम यार 59 kg तो हो जाऊँ और उतना लेके जाऊँ। और वहाँ भी मेरा वेट गेन अभी जाते ही स्टार्ट होने ही वाला है, वहाँ भी वेट गेन होता ही है। थोड़ा शुरू शुरू में जाओ ना तो खूब खाते रहते, उसके बाद जब लगता है कि ओ बहुत ज़्यादा खा लिया तब थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज सुबह वेट करूँगी एंड सुबह जब वेट करूँगी अपना उसी पे ब्लॉग की एंडिंग करूँगी, और इसलिए मैं आज ज़्यादा बात नहीं करने वाली, ताकि मैं अपना जो ब्लॉग की एंडिंग है वो आज का प्रॉपर वेट आप लोगों को बता के ही करूँ कि 1 month में मैंने कितना लूज़ किया हुआ है। मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ 1.5 kg का, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अगर 1.5 kg वेट लूज़ हो गया देन इसका क्रेडिट एक ही होगा कि मैंने बाहर का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी 15 दिनों में तो एकदम कम कर दिया है, बट 15 दिन भी मैंने जो स्टार्टिंग किया था तब भी मैं बहुत कम खाती थी। उसके पहले तो मैं आपको बताऊं मोमोज, स्प्रिंग रोल और फ्राई मोमोज जितने भी होते थे, मंचूरियन सब आता था और सब मेरे डिश में लगता था, तब मैं सब खाती थी। तो अभी तो खाना वाना थोड़ा उतना नहीं है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ पीछे का। मेरे घर के जो पीछे का पार्ट है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे बचपन में तब हम यहीं खेलने जाते थे, पूरा पूरा दिन हमारा यहीं बीतता था, मस्त तरीके से खेलते थे। तो ये है मेरे घर के पीछे का पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ हम लोगों का घर ही है बट एक बाउंड्री जैसा घेरा दिया गया है एंड वहाँ पे कुछ भी बना बना नहीं है। सॉरी नहीं दिखा पाई, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये है मेरे छत का व्यू, अब मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगी मेरे छत का व्यू कैसा है। ये लगा हुआ है एक वो जो होती है ना नागफनी का पेड़, ताकि हमारा जो डिश है उसको बंदर ना खराब करे, लेकिन ये डिश हमारा कभी चला नहीं बेचारा, बंदर ने इसको इतना खराब कर दिया। तो ये यहाँ से शुरू होता है मेरा घर एंड पीछे की जो चीजें हैं वो मैंने आपको दिखाई हुई हैं। तो दिस इज माय टेरिस, दिस इज माय छत एंड ये है बाहर का। एंड ये है जस्ट ऊपर का। बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आप लोगों को जो मैंने दिखाया। तो ये व्यू इतना ब्यूटीफुल भले ही, लेकिन हम हमेशा एंजॉय करने के लिए नहीं आ पाते हैं ऊपर। उसका रीज़न है कि यहाँ इतने बंदर हैं कि आप आ नहीं सकते हो। आप आओगे ना आपके बाल उखाड़ उखाड़ के ये लोग भागते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमारे साथ जाएगा कौन जो कि बंदर को मार सके। तो मैं लेके आई हूँ भाभी को, ये बंदर बहुत अच्छे से मारती हैं। एंड थोड़ी देर अब हम यहाँ रहेंगे, थोड़ा धूप सेकेंगे, थोड़ा धूप देखेंगे, उसके बाद कपड़े वगैरह लेके हम चले जाएंगे ऊपर, सॉरी नीचे। हे गाइस, तो शाम का जो ड्रिंक था वो फाइनली हो गया। तो शाम का ड्रिंक मैं 5 बजे ले चुकी थी, बट उसी समय मेरे बच्चे उड़ गए थे, जिसकी वजह से वो चीज मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। क्योंकि बच्चे उड़ गए मतलब उनको संभालना भी है एंड फटाफट ड्रिंक भी लेना है, क्योंकि उसके बाद उनको फीडिंग करानी है, तो फिर टाइम नहीं मिलता। और 6 o'clock जो है वो चाय का टाइम हो जाता, फिर उसमें गैप ना रखो ना तो वो अच्छा नहीं रहता। इसलिए जो है वो ड्रिंक ले लिया था 5 बजे। एंड मैंने आपको उस चीज के बारे में तक नहीं बताया जो मैंने सुबह आपको दिखाया था, कि मैं अभी लेती हूँ 15 डेज से एप्पल साइडर विनेगर,
जो कि वाओ का है एप्पल साइडर विनेगर। अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाती, बस अभी मैं बता दे रही हूँ। तो उसको 15 दिन से मैंने लेना स्टार्ट किया हुआ है। तो जब मैं 15 दिन से लेना स्टार्ट कर रही हूँ, पहले मैंने बिगनिंग में 5 डेज तक 5 ml लेना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मुझे लगा हाँ मेरी बॉडी ओके ओके है, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि एसिडिक होता है तो समझ में नहीं आता ना कि वो आपकी बॉडी को सूट करेगा कि नहीं करेगा। जब मैंने देखा 5 दिन तक हाँ कोई ज्यादा मतलब कोई बैड रिजल्ट नहीं है, ठीक ठाक है, देन मैंने उसको 10 ml लेना स्टार्ट किया। तो 2 टाइम लेती हूँ, एक अर्ली मॉर्निंग एंड एक बेड टाइम पे। तो बेड टाइम पे क्योंकि 9 बजे मेरा खाना फिनिश हो जाता है, 11 बजे मैं डेफिनेटली उसको ले ही लेती हूँ। 2 घंटे तक मेरी बॉडी अच्छे तरीके से खाने को जब डाइजेस्ट कर लेती है, दैट टाइम मैं उसको लेती हूँ। उसको लेने के कई सारे मेथड है, कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग डिफरेंट वे में लेते हैं, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग और बेड टाइम पे ही लूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एंड सबका यही मतलब होता है, सबका यही रिस्पांस होता है कि जो ये जो 2 टाइमिंग है वो बेस्ट रिजल्ट उसमें मिलते हैं। तो पिछले 15 दिन से लेना स्टार्ट किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो तो सुबह ही मैंने बोला ना, मैं बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ सुबह वेट मेजर करने के लिए। वैसे तो घर में वेट मेजर मशीन है, तो फिर मैं तो पहले हमेशा वेट करती रहती थी, हमेशा मेजरमेंट लेती ही रहती थी, बट अभी जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की मैंने एक भी दिन वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट चाहिए वो कि मैं देखूं कितना मैंने लूज किया हुआ है। तो 63.7 से देखती हूँ कितना है, अगर 1 किलो या 1.5 किलो भी कम हुआ ना, देन मेरे लिए ये ब्लेसिंग ही होगी। एंड अगर कम होता है तो मैं इसके बाद 1 महीने स्ट्रिक्ट डाइट भी शायद कर सकूं। स्ट्रिक्ट डाइट भी वो भी एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जो कि लिक्विड डाइट जैसा होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो घर पे बनता है मैं वही खाऊंगी, अपना अलग से कुछ बना करके नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, स्ट्रिक्ट डाइट ऐसा रहूंगी कि जैसे बाहर का भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और स्वीट में भी शायद मैं चाय को भी अवॉइड कर दूं, अपने इन काढ़ा से रिप्लेस कर दूंगी किसी अलग अलग चीजों से, अगर मेरा वेट लूज होता है तो। वैसे मेरा मुझे ऐसा फीलिंग तो आता है कि वेट लूज हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वीकनेस जैसा फील होने लगा पिछले 3-4 दिनों से, जिसकी वजह से मैंने अपने जो इवनिंग स्नैक था उसको चेंज कर दिया एक चीज में, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रोस्टेड सींग है, मतलब रोस्टेड पीनट्स हैं जो मैं इस समय खा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये मेरा वेट गेन करेंगे कि लूज करेंगे, बट हाँ ये मेरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, फुलफिल भी रखता है स्टमक को, जिसकी वजह से आप कुछ भी फालतू या फिर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाते हो, आपकी बॉडी भी अच्छी तरीके से इससे रहेगी। तो मैंने पिछले मतलब 4-5 बार तो मंगा के खा चुकी हूँ मैं, तो ये रोस्टेड पीनट्स हैं, तो यही 5-6 दिनों से खा रही हूँ, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है जिस दिन से, जब से मैंने इसको खाना स्टार्ट किया है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑयल नहीं है एंड इसके जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो भी मुझे मिल जाएंगे और मेरी बॉडी के लिए वो अच्छे भी रहेंगे। तो चलो मैं सुबह मिलती हूँ फिर आपसे वेट मेजर के टाइम। एंड सब कुछ आप लोगों से शेयर किया है, नाश्ते में था पोहा, जो कि यहाँ पे चूरा मटर भी बोलते हैं, पौआ भी बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। और लंच में मैंने आपसे शेयर किया था मटर चने की दाल लगदावा, जिसको यूपी में बोलते हैं, एंड राइस एंड रोटी, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा लिया हुआ था चने की दाल, क्योंकि वो बहुत मतलब ऑयली एंड स्पाइसी बनती है, जिसकी वजह से बहुत ही थोड़ा सा लिया था। एंड चाय लिया, एंड उसके बाद जो मैं डिनर करूंगी वो भी मैं आपको एक क्लिप उसका दे दूंगी इसमें, कि मैं आज क्या डिनर कर रही हूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं प्रॉपर वीडियो आपसे शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं, एंड अगर आप अकेले रहते हो तो आप किसी भी चीज को करने में डिवोटेड रहते हो, एंड वो हो भी जाता है। मेरे पास बच्चे हैं, बच्चों का भी काम करना है, प्लस उसी में सब अपना भी खा पी लेना है, तो उसमें सिर्फ एक क्लिप छोटी सी ही शेयर करना पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज मैं आपको खा के दिखा देती कि हाँ भैया मैं यही खा रही हूँ। तो चलो कोई नहीं, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी, एंड अभी मैं अपना ये रोस्टेड पीनट्स जो है आधा मैं खा चुकी हूँ, तो इसको फिनिश कर लेती हूँ। ऊपर आई थी इसी को खाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। तो सुबह वीडियो खत्म, मतलब मेजरमेंट लूंगी अपना, एंड उसके बाद जो है जो उसका रिजल्ट का एक्साइटमेंट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो सुबह मेजरमेंट लेके वहीं पे वीडियो को एंड कर दूंगी, क्योंकि मैंने देखा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे लंबा नहीं करना है कोई भी वीडियो। तो चलो फिर यहीं पे एंड कर देती हूँ ब्लॉग का, सुबह सिर्फ आपको मेजरमेंट का क्लिप मिल जाएगा वो वाला, एंड वही लास्ट वाला बोल देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज प्यारे प्यारे कॉमेंट कीजिएगा, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे के रेड बटन को हिट करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, भाभी भी हैं, जिसकी वजह से वो अपना खटपट खटपट कर रही हैं।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा भाभी से बात कर रही थी, क्योंकि मैं सींग जो है खाने इसीलिए ऊपर आई थी क्योंकि भाभी ऊपर काम कर रही थी, तो मैं भी ऊपर चली आई और बच्चे नीचे खेल रहे थे तो वो अपना काम कर लिया और मैंने सींग खा लिया। एंड सॉरी, मैं आप लोगों से डिनर का कोई भी इमेज शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस समय हमारे घर में लाइट इशू हो गई थी जिसकी वजह से क्लिक लेना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जब मैं आई वेट मेज़र के लिए, तब मैंने देखा कि हमारा मशीन चल ही नहीं रहा है, तो हम तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए कि यार आज हम नहीं दे पाएंगे क्या अपना रिज़ल्ट आप लोगों को। फिर हमने देखा कि जो इसकी चार्जिंग थी वो पूरी हुई ही नहीं थी, चार्जिंग प्लग लगा भी नहीं था और वो चार्जिंग भी नहीं हो रहा था। तो उसको सही करने के बाद फिर हमने मेज़र किया एंड लेट्स सी द रिज़ल्ट। अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया है, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा वेट इतनी आसानी से और इतनी अच्छे तरीके से इतना जल्दी लूज़ हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई ये देख करके कि आई एम 59590, देन दिस इज़ माई रिज़ल्ट एंड यू कैन सी अ मैजिकल चेंज ये।